हेलो एवरीवन माय नेम इज ऐश्वर्य मिश्रा वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रेडिएशन टेक्नोलॉजी तो आज का जो टॉपिक है हमारा वो है टाइप ऑफ रेडिएशन थेरेपी एंड इक्विपमेंट्स रेडिएशन थेरेपी का जो एक टॉपिक था बेसिक ऑफ रेडिएशन थेरेपी वो मैं आपको पहले के एक वीडियो में बता चुकी हूं अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो पहले आप वो वीडियो देखिए जिसमें बेसिक ऑफ रेडिएशन थेरेपी बता रखा है उसके बाद का जो टॉपिक आता है वो होता है टाइप्स ऑफ रेडिएशन थेरेपी एंड इक्विपमेंट्स दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फॉर बोथ डीआरटी एंड बी स्टूडेंट्स आप दोनों के ही सिलेबस में ये है यानी चाहे डिप्लोमा कर रहे हो चाहे डिग्री कर रहे हो दिस टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट तो फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोडक्शन से आते हैं रेडिएशन थेरेपी और रेडियोथेरेपी इज अ टाइप ऑफ कैंसर ट्रीटमेंट इन विच आयोनाइजिंग रेडिएशन आर यूज्ड टू ट्रीट मेलिगनेट एंड बिनायन कैंसर डिजीज यानी रेडिएशन थेरेपी क्या होती है आपको पता है रेडिएशन थेरेपी यानी रेडिएशन के द्वारा दी जाने वाला ट्रीटमेंट ठीक है तो रेडिएशन थेरेपी में यही हो रहा है कि रेडिएशन यूज की जा रही है टू ट्रीट द कैंसर रेडिएशन कौन सी आयोनाइजिंग रेडिएशन ठीक है कौन से कौन से कैंसर मेलेग्नेंट और बिनाइन दोनों टाइप के यानी मेलेगनेंट जो फैलते हैं बिनाइन मतलब जो एक जगह स्टेबल रहते हैं दोनों टाइप की कैंसर डिजीज को ट्रीट करते हैं आयनाइजिंग रेडिएशन के द्वारा इस ट्रीटमेंट को कहते हैं रेडिएशन थेरेपी और रेडियोथेरेपी ठीक है इसके अलावा फोटोन्स जैसे कि एक्सरेज गामा रेज और पार्टिकल्स जैसे इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन प्रोटोन ये रेडिएशन जो यूज की जाती है वो रेडियोथेरेपी के लिए यूज कर सकते हैं इसके अलावा एम ऑफ रेडियोथेरेपी वॉट इज द एम ऑफ रेडियोथेरेपी क्यों देते हैं टू गिव मैक्सिमम एंड यूनिफॉर्म डोज टू द एंटायर ट्यूमर वॉल्यूम एंड मिनिमम डोज टू द सराउंडिंग नॉर्मल टिश्यू मतलब जो ट्यूमर वॉल्यूम है मतलब ये इतना ट्यूमर है तो इसके ऊपर तो पूरी मैक्सिमम और यूनिफॉर्म मतलब हर जगह पे 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 भी यहाँ पे भी यहाँ पे भी यहाँ पे भी सब पे एक जैसी यूनिफॉर्म डोज डोज मिलनी चाहिए और मैक्सिमम डोज यहां मिलनी चाहिए इसके अलावा जो सराउंडिंग टिश्यूज हैं इनको मिनिमम डोज मिलनी चाहिए तो ये होता है मेन एम ऑफ रेडियोथेरेपी का कि मैक्सिमम जो डोज है वो तो मिले ट्यूमर को और मिनिमम डोज है जो मिले नॉर्मल टिश्यूज को अब है कि रेडिएशन थेरेपी जो होती है उसके टाइप क्या क्या होते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल जो होता है दो टाइप होते हैं टेली थेरेपी और ब्रैकी थेरेपी ठीक है टेली थेरेपी जो होते हैं जो टेली थेरेपी का मतलब होता है नाम से पता चल रहा है ना टेली यानी डिस्टेंस पे रेडिएशन सोर्स जो है इसमें क्या होता है कि कोई भी रेडिएशन सोर्स होता है वो पेशेंट की सरफेस से किसी डिस्टेंस पे रखा जाता है वो तो होती है टेली थेरेपी ठीक है कि और ये जो डिस्टेंस होती है ये कहलाती है एस एस डी सोर्स टू सरफेस डिस्टेंस ठीक है ये जो होती है 25 से 100 सेंटीमीटर तक कुछ भी हो सकती है मतलब टेलीथेरेपी थेरेपी क्या होती है रेडिएशन सोर्स को एक डिस्टेंस पे रखा गया है पेशेंट की सरफेस से वो जो थेरेपी होती है वो टेली थेरेपी होती है ब्रेकी थेरेपी ब्रेकी थेरेपी का मतलब क्या होता है सील्ड रेडियो एक्टिव सोर्सेज आर यूज टू डिलीवर रेडिएशन एट शॉर्ट डिस्टेंस मतलब एक बहुत ही शॉर्ट डिस्टेंस पे बहुत ही छोटी दूरी पे रेडियो एक्टिव सोर्स को रखा जाता है जो कि रेडिएशन को डिलीवर करते हैं सोर्सेज मे बी प्लेस्ड ऑन और नियर द बॉडी सर्फेस या तो बॉडी सर्फेस के ऊपर ही रखा जाएगा या बॉडी सर्फेस की बिल्कुल पास में रखा जाएगा या फिर विद इन द बॉडी कैविटीज बॉडी कैविटीज जो होती है उनके अंदर रखा जाएगा और इम्प्लांटेड डायरेक्ट डायरेक्टली इन द ट्यूमर टिश्यूज और कभी कभी सीधा ट्यूमर टिश्यूज में डायरेक्ट इम्प्लांट भी कर दिया जाता है मतलब बेसिकली जो इसका मेन है वो ये है कि जो रेडियो एक्टिव सोर्स है उसको बहुत ही शॉर्ट डिस्टेंस पे रखा जाना चाहिए तो दीज आर टू टाइप्स ऑफ रेडियो रेडिएशन मतलब सोर्स दूर है ब्रेकी मतलब सोर्स पास है इसके अलावा सबसे पहले हम पढ़ेंगे टेली थेरेपी को डिटेल में टेलीथेरेपी मशीन आर क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स दो टाइप से टेलीथेरेपी दी जाती है पहली आती है किलो वोल्टेज मशीन दूसरी आती है मेगा वोल्टेज मशीन आपको नाम से ही पता चल रहा होगा किलो वोल्टेज और मेगा वोल्टेज का मतलब क्या है कि जो किलो वोल्टेज मशीन होती है वो वन मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की कम रेडिएशन एनर्जी से ऑपरेट होती है मतलब जो इसकी में जो मैक्सिमम एनर्जी यूज हो सकती है वो वन मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो सकती है उससे ज्यादा की अगर आपको ऑपरेट करनी है मशीन तो वो मेगा वोल्टेज मशीन में आएगा आपको नाम से ही पता चल रहा होगा एक मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा मेगा वोल्टेज मशीन एक मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा किलो वोल्टेज मशीन अब जो होती है हम पढ़ेंगे किलो वोल्टेज एक्सरे मशीन को ठीक है आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ एक्सरेज डिस्कवरी के बाद में कुछ बाद में कुछ टाइम बाद एक्सरे जो थे वो ट्रीटमेंट ऑफ मेगनेंसी के लिए भी यूज करने लगे यानी कैंसर ट्रीटमेंट के लिए हमने एक्सरेज को यूज करना स्टार्ट कर दिया ऑन द बेसिस ऑफ एक्सरे बीम क्वालिटी एक्सरे बीम की क्वालिटी के बेसिस पर उनके यूजेस के बेसिस पर हमने किलो वोल्टेज एक्सरे मशीन को भी चार भागों में बांट लिया ठीक है जो किलो वोल्टेज किलो वोल्टेज का मतलब मैंने क्या बताया जिनकी जो एनर्जी है जो जो एक्सरे मशीन है जो एक मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम पे ऑपरेट होती है वो होती है किलो वोल्टेज ठीक है तो ये चार टाइप की होती है ग्रेन्स रे थेरेपी कॉन्टेक्ट थेरेपी सुपरफिशियल थेरेपी ऑर्थो वोल्टेज और डीप डीप थेरेपी एक्सरे मशीन ठीक है ये जो क्वेश्चन होता है किलो वोल्टेज एक्सरे मशीन का आपको सेपरेटली सात नंबर आठ नंबर या पांच नंबर में पूछा जा सकता है पांच सात या आठ में ठीक है तो आपको इसलिए किलो वोल्टेज एक्सरे मशीन का जो टॉपिक है वो अच्छे से याद रखना मेनली ये पांच नंबर में यानी शॉर्ट नोट में पूछा जाता है अब फर्स्ट जो होती है ग्रेन रे थेरेपी इन ग्रेन रे थेरेपी द एक्सरे प्रोड्यूस पोटेंशियल ऑफ टेन टू ट्वेंटी किलो वोल्टेज मतलब आपको देखना है कि जो चारों जो है ना इसका जो टाइप है वो चारों सिर्फ किलो वोल्टेज के डिफरेंस पे ही है कि ये कितना करता है सबसे सॉफ्ट जो होगी वो दस से बीस दस से बीस किलो इलेक्ट्रॉन वोल्टेज पे करेगी ग्रेन्स रे थेरेपी तो ये जो मशीन है ग्रेन्स थेरेपी में दस से बीस किलो वोल्टेज पर काम करती है प्रोवाइडेड सॉफ्ट एक्सरेज विथ लो पेनीट्रेशन एंड हाई इंटेंसिटी अब इसमें सॉफ्ट एक्सरेज होंगी क्योंकि इनकी एनर्जी ही कम है तो जिनकी एनर्जी कम होती है उन्हें कहते हैं सॉफ्ट एक्सरेज सॉफ्ट एक्सरेज प्रोवाइड करेगी विद लो पेनीट्रेशन केवीपी क्या करता है पेनेट्रेशन को बढ़ाता है तो लो केवीपी है यानी लो पेनीट्रेशन होगा और हाई इंटेंसिटी के साथ दिया जाता है कि एक ही बार में बहुत सारा रेडिएशन दिया जाएगा ठीक है मेनली यूज फॉर डर्मेटोलॉजिकल कंडीशन डर्मेटोलॉजिकल पे कंडीशन पे दिया जाता है क्योंकि लो पेनीटेशन है ऊपर ही रह जाएगा सरफेस पे तो डर्मेटोलॉजिकल कंडीशन के लिए यूज किया जाएगा नो लॉन्गर यूज इन रेडियोथेरेपी ऑफकोर्स कैसे यूज होगा क्योंकि बहुत ही कम बहुत ही कम रेडिएशन है तो ये रेडियोथेरेपी के लिए ट्रीट करने के लिए अब सुटेबल नहीं है तो ये था ग्रेनज रे थेरेपी नेक्स्ट जो है वो है कॉन्टेक्ट थेरेपी अब इसमें क्या मैंने आपको क्या बताया सिर्फ किलो वोल्टेज का अंतर है तो अब उसमें जो था दस से बीस केवीपी था अब इसमें जो है दस से साठ केवीपी पे एक्सरेज जाते हैं दस से साठ किलो वोल्टेज पे और ट्यूब करंट कितनी रखी है दो मिली एम्पियर की ठीक है इसमें क्या है ये कितना इट प्रोवाइड ट्रीटमेंट एट एस ऑफ वन टू फाइव सेंटीमीटर एस मैंने आपको पहले भी बताया था सोर्स टू सोर्स टू सरफेस डिस्टेंस को हम कहते हैं एस ये कितनी पे कर सकता है वन से पांच सेंटीमीटर तक के डिस्टेंस पे ये जो है ट्रीटमेंट दे सकता है विद डोज रेट ऑफ़ मीटर ठीक है इट डिलीवर्ड मैक्सिमम स्किन डोज इन अ शॉर्ट टाइम एक छोटे से टाइम में बहुत ज्यादा स्किन डोज देता है क्योंकि एक पॉइंट पांच से पांच सेंटीमीटर तक ही जा सकता है जो कि स्किन का बहुत ही ऊपर की लेयर होती है तो ये मैक्सिम स्किन डोज दे सकता है बहुत ही छोटे टाइम में द एक्सरे इंटेंसिटी डिक्रीजेस रेपिडली ओवर द फर्स्ट फ्यू एम एम बिलो द स्किन सर्फेस जो स्किन सर्फेस है उसके पहले जो कुछ फ्यू एम एम है इन एमएम mm में तो ये जो एक्सरे इंटेंसिटी है वो बहुत ही चल, जल्दी से डिक्रीज होगी एंड कम्प्लीटली एब्जॉर्ब टू सेंटीमीटर डेफ्थ इन सॉफ्ट टिश्यू जो सॉफ्ट टिश्यू की जो टू सेंटीमीटर की डेफ्थ होती है उसके ऊपर ये कम्पलीटली एब्जॉर्ब हो जाती है तो ये भी क्या होगी ज्यादा से ज्यादा स्किन डोज देती है दिस इज मेनली यूज द फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ स्किन कंडीशन एंड एंडोकेविट्री रेडिएशन तो बेसिकली अपन देखेंगे जो किलो वोल्टेज मशीन जो है वो बेसिकली स्किन की कंडीशन के लिए स्किन ट्रीट कैंसर के लिए ही यूज की जाती है क्योंकि ये क्या करती है स्किन पे ही आपको स्किन पे ये अब पांच सेंटीमीटर एस एस डी है तो ज्यादा अंदर तो पहुंच नहीं पा रहा है स्किन सर्फेस के तो जब ये स्किन के ऊपर ही ट्रीटमेंट दे रही है तो इसलिए इसको मेनली डर्मेटोलॉजिकल के लिए ही यूज किया जाता है ठीक है तो स्किन कंडीशन के लिए या फिर एंडो कैविट्री यानी जो भी कोई कैविटी है बॉडी के अंदर उसके अंदर भी इसको यूज कर सकते हैं यूजफुल फॉर ट्यूमर्स विच आर नॉट डीपर देन वन टू टू एम एम इससे ज्यादा के लिए यूज नहीं करना था क्योंकि उसके आगे जाके ये बहुत ज्यादा जो रेडिएशन है वो डिक्रीज होती रहेगी इसलिए जो बे, जो बेस्ट जो आपने अपन ने क्या सोचा अपन ने क्या बताया था कि रेडियोथेरेपी का एम क्या होता है कि मैक्सिमम डोज लगनी चाहिए ट्यूमर पे तो मैक्सिमम डोज इतनी उस पर ही लगेगी इतनी डेफ पे ही लग सकती है कॉन्टेक्ट थेरेपी से ठीक है तो कॉन्टेक्ट थेरेपी कहती है दस से साठ किलो वोल्टेज पे की गई थेरेपी को कॉन्टेक्ट थेरेपी कहा गया अब सुपर फिशियल थेरेपी सुपरफिशियल थेरेपी क्या होती है इसमें क्या डिफरेंस है 50 से 150 सौ केवीपी मैंने पहले ही बता दिया था सिर्फ किलो वोल्टेज का डिफरेंस है तो सुपरफिशियल थेरेपी क्या थी यूनिट्स विद पोटेंशियल ऑफ 50 फिफ्टी टू 150 फिफ्टी केवीपी किलो वोल्टेज एंड ट्यूब करंट ऑफ 5 टू 8 एमपियर ये क्या होगी सुपरफिशियल ट्रीटमेंट्स के लिए या सुपरफिशियल थेरेपी में यूज की जाएगी एसएसडी क्या है इसकी एस एस डी क्या अरेन्ज करती है पंद्रह से बीस सेंटीमीटर की एस होती है इसके अंदर मतलब पन्द्रह से बीस सेंटीमीटर आप सोर्स टू सर्फेस डिस्टेंस रख सकते हो दीज आर यूजफुल फॉर ट्रीटिंग ट्यूमर्स अप टू फाइव एम एम डेफ्थ जो पहले कॉन्टेक्ट थेरेपी थी वो सिर्फ एक से दो एम एम डेथ पे थी अब इसमें फाइव एम एम डेफ्थ पे जा सकती है विद नाइन्टी परसेंट ऑफ सरफेस डोज ठीक है मेनली यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ डरमेटोलॉजिकल एंड सुपरफिशियल स्किन मेगनेंसी मैंने आपको पहले बता दिया है जो किलो वोल्टेज एक्सरे मशीन से जितनी भी थेरेपी दी जाती है वो बेसिकली डर्मेटोलॉजिकल ही होती है अब ये तो हो गया सुपरफिशियल थेरेपी भी क्या क्या होता है कि पचास से डेढ़ सौ केवीपी होता है पांच से आठ एमए पे यूज होती है एसएसडी पंद्रह से बीस सेंटीमीटर होती है और ट्रीटमेंट जो है पांच सौ एमएम डेफ तक बिल्कुल अच्छे से देता है डर्मेटोलॉजिकल में यूज किया जाता है इसके अलावा जो इसमें अपन देखेंगे कि इसमें एक चीज है कि जो एक्सरे ट्यूब कंस्ट्रक्शन होता है वो बिल्कुल डायग्नोस्टिक एक्सरे ट्यूब जैसा ही होता है कोई डिफरेंस नहीं है सिवाई टारगेट एंगल के मेथड ऑफ कूलिंग के टारगेट एंगल डिग्री रखा जाता है एक्सरे ट्यूब है टारगेट एंगल कितना रखा जाता है रेडियो Main, डायग्नोसिस में यूज होती है आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट मेमोग्राफी और एनीथिंग आई एम टॉकिंग अबाउट डायग्नोस्टिक एक्सरे ट्यूब के बारे में तो इसके अंदर टारगेट एंगल कितना रखते हैं चालीस डिग्री और मेथड ऑफ कूलिंग भी इसमें अलग अलग होते हैं कि इसके अंदर सेकेंडरी कुलेंट यूज कर, किया जाता है अपन को उतना डीप में नहीं जाना है क्योंकि ये क्वेश्चन सिर्फ पांच नंबर में आता है पांच नंबर की तरफ से ये बहुत इनफ है नेक्स्ट और लास्ट जो कीडो वोल्टेज एक्सरे मशीन की जो लास्ट थेरेपी होती है थेरेपी एक्सरे मशीन होती है वो होती है ऑर्थो वोल्टेज और डीप थेरेपी नाम से ही पता चल रहा है डीप थेरेपी मतलब अभी तक की सबसे डीप जाने वाली थेरेपी है इसमें जो एक्सरे मशीन होती है वो ऑपरेट होती है डेढ़ से चार सौ वन टू फोर हंड्रेड किरो वोल्टेज पर और ट्यूब करंट ऑफ टेन टू ट्वेंटी एम अभी तक का ये मैक्सिमम है तो इसे हम कहते हैं डीप थेरेपी मशीन अब जितना केवीपी होगा उतना पेनेट्रेशन पावर ज्यादा होगा उतनी ही डीप ये ज्यादा जाएगी इसलिए इसे कहते हैं डीप थेरेपी मशीन एफ एस डी फोकल टू सरफेस डिस्टेंस यानी एस एस डी एफ एफ डी जो भी है थर्टी टू सिक्सटी सेंटीमीटर रखी जाती है इसके अंदर मैक्मम डोज जो कर्ज क्लोजर टू द स्किन सरफेस वो ही सबसे ज्यादा स्किन सर्फेस पे होगी और इट इज सुटेबल फॉर ट्रीटमेंट ऑफ ट्यूमर्स अप टू 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 थ्री सेंटीमीटर ठीक है ये ट्यूमर्स जो है ये जो ट्रीटमेंट के लिए कहाँ से दो से तीन सेंटीमीटर तक सुटेबल होती है दट डीप थेरेपी यूनिट में डिफर फ्रॉम डायग्नोस्टिक ट्यूब अब इसमें भी डायग्नोस्टिक ट्यूब से कुछ तो अंतर होगा कि ये क्या होती ज्यादा सिंस द यूनिट आर ऑपरेटेड एड हाई केवीपी तो ही डेवलपमेंट भी ज्यादा होगा तो एक्से ट्यूब जो होती शुड बी प्रोवाइडेड वि लार्जर फोकल स्टॉप कि ज्यादा से ज्यादा लार्जर फोकल स्पॉट होगा एंड इफेक्टिव कूलिंग सिस्टम होगा तो इसके अंदर दो डिफरेंस हुए क्या क्या लार्जर फोकल स्पॉट एंड इफेक्टिव कूलिंग सिस्टम उसके अंदर क्या था टारगेट एंगल एंड कूलिंग सिस्टम इसके अंदर आ, है ऑर्थो वोल्टेज के अंदर है लार्जर फोकस फोकसपोर्ट इफेक्टिव कूलिंग सिस्टम इसके अलावा इसके अंदर एक और चीज देखी जाती है वो होता है हुडेड एनोड इज प्रेजेंट इन दिस काइंड ऑफ एक्सरे मशीन दिस लाइन इज वेरी इंपॉर्टेंट किस तरीके से किसी भी कंपटीशन एग्जाम में आने के लिए हुडेड एनोड हुडेड एनोड का मतलब क्या होता है हुडेड एनोड कौन सी मशीन में पता जाता है डीप थ्रेपी एक्सरे मशीन या ऑर्थो वोल्टेज एक्सरे मशीन में इसके अंदर इस टाइप के ब्लॉक बने हुए होते हैं कि इधर अंदर कॉपर और इधर टंगस्टन इस टाइप का ब्लॉक होता है कॉपर और टंगस्टन ये किस लिए होता है ताकि जो रेडिएशन है ताकि जो हीट डेवलप हुई है हीट प्रोड्यूस हुई उसको यहीं पर इसका कन्वेक्शन हो जाए कॉपर ब्लॉक से द्वारा तो ये हुडेड एनोड जो होती है वो किसमें प्रेजेंट होती तो है और वोल्टेज डेप थेरेपी एक्सरे मशीन में यही आपका एक एमसीक्यू भी रे, रेडी हो जाता है तो इस तरीके से किलो वोल्टेज मशीन की जो चारों मशीन है चारों थेरेपी है वो मैं आपको बता चुकी हूँ नेक्स्ट में आप मेगा वोल्टेज मशीन्स के बारे में पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक के अंदर नेक्स्ट वीडियो के अंदर तब तक आप इसको रिवाइज कीजिए और रेडिएशन थेरेपी का जो पहले वाला वीडियो वो भी देखना मत भूलिए अगर आपको इस वीडियो में कोई भी क्वेरी है कोई भी क्वेश्चन है तो आप डीएम कर दीजिए मुझे इंस्टा पे जो कि रेडिएशन टेक्नोलॉजी नाम से है या फिर इसमें भी आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं थैंक यू फॉर वॉचिंग अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए थैंक यू फॉर वॉचिंग